नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं पुपरी पेज। आप लोगों को बता दें कि पुपरी में डीएम के आदेश पर पुपरी के अवैध नर्सिंग होम एवं निजी क्लिनिक में जांच की गई है, जिसमें पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में दो क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इसमें सिंगयाही रोड में अवैध ढंग से संचालित बालाजी सेवा संस्थान व टावर चौक स्थित माँ मनसा क्लिनिक शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने शहर स्थित डॉक्टर पूनम कुमारी व डॉक्टर राजेश कुमार के क्लिनिक का जांच किया। यहां पर कर्मी व चिकित्सक मिले परंतु मरीज नहीं मिल पाया। इसे अवैध देख सील किया जाने लगा, जिसके बाद सिविल सर्जन के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी ने प्रभारी से बात कर सील करने की कार्रवाई को रुकवा दिया। हैरत की बात तो यह है कि जिला से भेजे गए जांच व सील की कार्रवाई करने की सूची में इस क्लिनिक का भी नाम शामिल किया गया था। जांच टीम ने बालाजी सेवा संस्थान में जांच अभियान चलाया। यहां चिकित्सक व कर्मी नदारद दिखे, जबकि ऑपरेशन कराई हुई बहलवारा गांव की एक मरीज सिया देवी इलाजरत मिली। इस मरीज ने बताया कि 3 दिन पहले यहां पर उसका बड़ा ऑपरेशन किया गया है। मरीज को घर भेजवाते हुए टीम ने संस्थान को सील कर दी। इसके बाद फर्जी ढंग से संचालित मां मनसा क्लिनिक को भी सील कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे इस पेज को फेसबुक पेज पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे पुपरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पुपरी से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी खबरों का अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।